मेडिकल वाला हाजिर हो। आज मुझे इस अदालत में हाजिर किया गया है गवाही के लिए। पहले मैं दुल्हन इकबाल और मिस्टर 20% इन दोनों को इकट्ठा एक साथ देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ये मिस्टर 20% का खिताब इन्होंने दिया है और दुल्हन इकबाल का खिताब जो है मिस्टर 20% हैरत की बात है। हमारे शहर की सियासत जो इस लहर पे पहुंच गई है कि किसी को भी बदनाम बताकर अपना चोला साफ बताने की कोशिश की जा रही है। मुझे ठीक तरह से याद है, मैं जो बातें हुई वही बताऊंगा। हमारे मिस्टर 20% जो हजरत, इनकी अक्सर एक डायलॉग है, हमें साथी अच्छे नहीं मिले। आपने भी सुना होगा 2007 में जब ये बैतुल माल की हिफाजत का नारा लेके आए, जिनको साथी अच्छे नहीं मिले, इन्होंने कांग्रेस से बैठ करके हुकूमत बनाई, अपने यहाँ पे मेयर बनाया, कुछ दिन मलाई खाई, बाद में जब देखे मलाई खत्म हो रही है तो बोले साथी अच्छे नहीं मिले। फिर यूनुस ईसा और मालिक मेयर, इनके साथ पकड़े, बोले हमको साथी अच्छे नहीं मिले। अब ये कब बोलेंगे कि हमको दुल्हन अच्छी नहीं मिली। ठीक है भाई, आप लोगों को याद होगा इनका एक डायलॉग है कि हमें साथी अच्छे नहीं मिले। 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, 12 साल से। 2007 में ये बैतुल माल का नारा देके आए, जब इनको 27 सीट मिली, मेजोरिटी नहीं मिली, तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कांग्रेस के साथ मिलकर मेयर बनाए, मलाई खाए, खत्म हो गई, तो बोले हमें साथी अच्छे नहीं मिले। अगला टर्म आया, फिर सियासत शुरू हुई, तो यूनुस ईसा और मालिक का जो ग्रुप है उनके साथ मिलके शहर की सियासत की गई, बोले नई सियासत शुरू हुई, वहां डब्बा खाली हो गया, घी खत्म हो गई, तो बोले हमें साथी अच्छे नहीं। अब ये नई साथी मिली है, अब ये देखना है कि अब ये कब बोलते हैं अब साथी अच्छे मिले। साथी बोले तो साथी का मतलब क्या है? हो सकता है शायद उनका मतलब यही रहा होगा कि हमें दुल्हन अच्छी मिली। और इस दुल्हन के ताल्लुक से मैं एक बोलूंगा, इसी मोहल्ले में, इसी वार्ड में, इसी घर, इसी जहाँ पे ये काबुल चौक में हो रहा है, इसी गली के कोने पे एक मकान में इन्होंने गुजारा करवाया था। इससे पहले भी मैं जलसे में वो बात की मुजम्मत कर चुका हूँ कि हमारे जो MLA, दोनों सादिक MLA जो आसिफ शेख रशीद साहब और मियाल साहब, दोनों बुजुर्ग लीडर हैं शहर के, उनके ताल्लुक से मैयत का पुकारा करके आधे दिमाग के आदमी से टिल्ली उड़ाई गई थी, जो कि मजहब में भी मना है और इंसानियत के लिहाज से भी मना है। मगर मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि आज मैं एक कटघरे में देख रहा हूँ कि जिस बाप की मजाक उड़ाया गया है, मुझे लानत है आप पर कि ऐसी औलाद है जो अपने बाप की बेइज्जती करने वाले के साथ कांधे से कांधा मिला के हाथ खड़े हो। अगर मियां साहब जिंदा होते तो यही कहते कि ऐसी औलाद होने से अच्छा तो मैं बेऔलाद होता, ऐसी औलाद होने से अच्छा तो मैं बेऔलाद होता। मगर अफसोस कि ये उनके जाने के बाद ये गठबंधन और छठ बंधन जो भी हुआ है, आधा घंटा क्या हुआ, तो ये सब जो है सब पैसे का खेल है इनका। अभी मैं आज मेडिकल खोला 4 बजे, मैं हालांकि सुना सोचा था कि राहत इंदौरी का कुछ शेर है, सवेरे ही सोचा था कि आज बोलूंगा, लेकिन इत्तेफाक से मैं जब मेडिकल खोला 4:30 बजे ऐलान होने लगा कि अवामी अदालत होने वाली है, तो उस शेर से होने लगा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। हैरत में पड़ गया, मुझे सारा मैं प्रोग्राम बना के चला रहा है, ये ऐलान वाले को लगता अभी गजर दिया है आज इन्होंने, वो बहुत मिसाल होता है, बोलो चलो जाने दो। फिर उसके बाद अगला मिसरा है, घर में सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, ये लक्षण आने वाला है
तो अभी कुछ दिन के लिए जरा सा थोड़ा ढिंढोरा पीटो, फिर बिस्सी तो उठने वाली है, हर कॉलोनी में तो बिस्सी उठती है। कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, ये करते हैं, बाद में फिर पार्लियामेंट में कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी हो जाती है। इनका प्रस्तुत से लड़ने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। लानत है तुम्हारी पार्टी। आज एनसीपी जो है पेट्रोल डीजल के दाम पे दिल्ली में, अपने बम्बई में, महाराष्ट्र में तहरीक चला रही है, और तुम यहाँ पे बदुनानी बदुनानी की पंचायत बैठा रहे हो। अंधेर की बात है, पंचायत बैठा रहे हो। जब साबान पंचायत की क्या अहमियत है और अदालत की क्या अहमियत है आम जानती है। पंचायत बैठा रहे, जैसे आजकल जैसे बहुत बोलते हैं ना, बोला गया नहीं है पंचायत बैठा, क्यों पंचायत बैठा रहे, कौन सा मामला है पंचायत बैठा रहे, बात क्या है, अंदर की बात क्या है। तो अगला शहर जो है, अगला शहर जो है झूठों की एक घर में, झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोल। हाँ, उसके बाद अगला मिश्रा साहब वो ऐलान करने वाला नहीं हो, लेकिन मैं सुना, मैं पढ़ा उसमें देखा हूँ कि एक शेर आगे जो इसके बाद है। हाँ, एक मिश्रा मंडी में बोलता हूँ ना, गुलदस्ते पे लिखा है, मैं अपनी तरफ से उसको जोड़ के बना रहा हूँ, मैं शायर और नहीं हूँ। गुलदस्ते पे लिखा है गठबंधन, गुलदस्ते पे लिखा है गठबंधन, बंधन अंदर क्या है सच बोलो। तो आवाम को बेवकूफ मत बनाओ, आवाम बहुत होशियार हो चुकी है। आज पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन, और आप देखेंगे इतने इतने बच्चे भी सब बहुत समझदार हो गए हैं। काम बोलता है, आवामी काम बोलता है। आप देख लो कब्रस्तान का हॉल, उर्दू मीडिया सेंटर, हज सेंटर, फ्लाई ओवर, एक्स वाई जेड, इतने काम है। अभी टाइम कम, मेरे को 5 मिनट दिया गया। तो ये काम आवाम देख रही है और उसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे, बोले ये काम नहीं करते ये भुगत। तो ये कभी तुम जिंदगी में, तुम्हारे बाप ने भी कभी काम किया है? इस टाइम की सियासत तुम गिरा लो, तुम्हारे बाप ने कुछ काम किया है क्या? मैं आज अदालत के सामने ये पेश कर रहा हूँ कि ये पेश करें, इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि बताएं कि मेरे बाप ने ये किया। तो बोलने का मतलब ये है कि काम करना और गाली करना, ये दो फर्क। हमारे यहाँ काम होता है, इनके यहाँ गाली होती है। तो अदालत के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आवाम के ऊपर, जज साहबान के ऊपर, कि आप फैसला करो कि ये जो शहर को गुमराह कर रहे हैं असल में क्या है ना। अब जरा सा एक बात और भी बोलता चलूँ, बहुत दिनों से मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ अपने लोगों को, इनका तो बहुत हो गया, हजरत का जो है उनको जो ना बुखार हो गया। ये आज से 20-22 साल पहले ना यहाँ पे रहते, जब नजर घुमा के देखते थे ना इसे, पूरे चक्कर लगा के, जब ये चक्कर हो गया ना, तो हिंदुस्तान वाला मोहम्मद सेठ, नादिर सेठ, गुलनार वाले, से काबुल से नादिर पहलवान, सब मालदारों की बस्ती में मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब मैं इनको पीछे छोड़ूंगा, अब मैं इनको पीछे छोड़ देऊंगा। इस चीज में तुमने हमारे मोहल्ले के लोगों को पीछे छोड़ दिया, ये बात की मैं तुमको तारीफ करता हूँ। मैं जरूरी नहीं कि सामने जो कटघरे में खड़ा है सिर्फ उसके कैरेक्टर पर हमला करूँ, उसकी ये तारीफ करूंगा। और ये करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप समझ लो कि ये क्या किस चीज की तारीफ के लायक। शुक्रिया भाई।